हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि नगर क्या होता है, नगर की परिभाषा देखी अलग अलग विचारकों के अनुसार। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि महानगर क्या कहलाता है, महानगर किसे कहते हैं, महानगर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या था, इतिहास की दृष्टि से महानगर क्या था, महानगर को किस किस चीज़ में वर्गीकरण किया गया, महानगर का महानगर की परिभाषा देखेंगे हम, और इसी के साथ साथ नगरीय संरचना के अध्ययन के उपागम भी देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो नोट्स ले सकते हैं आप वहाँ पे। तो वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके। इसमें हम नगरीय संरचना के अध्ययन के उपागम भी देख लेंगे, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी हम महानगर की धारणा देखते हैं। तो महानगर क्या है? मेट्रोपोलिस एक ग्रीक शब्द है। महानगर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेट्रोपोलिस, जो कि ग्रीक शब्द है। वास्तव में कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं मैटर मतलब आधात, मदर, और पोलिस मतलब सिटी। तो मैटर का मतलब हो गया मदर और पोलिस का मतलब हो गया सिटी, तो जिसे हम मदर सिटी भी कहते हैं। तो अंग्रेजी में अनुवाद हो गया इसका मदर सिटी। तो लेविस मंफोर्ड ने यूरोप में प्रौद्योगिकी विकास के स्तरों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले नगरों का वर्गीकरण किसने किया? लेविस मंफोर्ड ने यूरोप में, उन्होंने विकास के स्तर पर किया नगरों का वर्गीकरण। और पहले में उन्होंने दिया इओपोलिस, फिर पोलिस, फिर मेट्रोपोलिस, फिर टायरनोपोलिस और फिर नेक्रोपोलिस। तो उन्होंने इस पांच में वर्गीकरण किया किसका? नगरों का। ठीक है, अब देख लेते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि प्राचीन काल में मेट्रोपोलिस को क्या कहते थे। प्राचीन काल में मेट्रोपोलिस शब्दावली का प्रयोग विशेष प्रकार के नगर जैसे साम्राज्य, राज्य, राजशाह की राजधानी और वह स्थान जहां शेष दुनिया पर शासन किया जाता था के लिए ही प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार मेट्रोपोलिस किसी प्रांतीय नगर की तुलना में काफी उच्च स्थान पर था। तो जो प्राचीन काल था उसमें मेट्रोपोलिस शब्द का प्रयोग राजा करते थे, राजा जहाँ शासन करते थे वहाँ की राज्य की जो राजधानियाँ होती थी जहाँ पे वो शासन करते थे बैठकर, वो सब क्या है? मेट्रोपोलिस में आती है, महानगरों में आती है। उन शब्दावली का, उन चीज़ों को, जो भी उनका साम्राज्य होता था, जो भी उनका राज्य होता था, जहाँ पर वो राजधानी थी उनकी, जहाँ वो राज्य करते थे, वो सारी स्थान जहाँ पर शासन किया जाता था, वो कहाँ पर आते थे? मेट्रोपोलिस में आते थे, महानगर की अवधारणा में आते थे। इस प्रकार मेट्रोपोलिस किसी प्रांतीय नगर की तुलना में काफी उच्च स्थान पर था। तो उच्च स्थान को भी वहां पर महानगर कहा जाता था। आधुनिक काल में देख लेते हैं कि आधुनिक काल में प्रत्येक बड़ा नगर मेट्रोपोलिस कहलाना चाहता है, चाहे यह सत्ता का केंद्र ना हो। यह प्रयोग यूनाइटेड स्टेट के नगरों के लिए उपयुक्त है। तो आधुनिक काल में जितने भी शहर है सब चाहते हैं कि हम मेट्रोपोलिस कहलाएं, महानगर कहलाएं। यह प्रयोग यूनाइटेड स्टेट के नगरों के लिए उपयुक्त है जहाँ यूएस स्टेट कैपिटल एक बड़ा नगर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि यूनाइटेड स्टेट में एक यूएस जो स्टेट है वो कैपिटल, यूएस स्टेट जो कैपिटल है वहाँ की, वो एक बड़ा नगर नहीं है। ठीक है, अतः मेट्रोपोलिस शब्द का आधुनिक अर्थ बहुत कोई भी स्थान है जो राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है, हालांकि आवश्यक नहीं कि इनमें सब मौजूद हो। तो मेट्रोपोलिस अगर शब्द का आधुनिक अर्थ देखे तो आजकल ये यूज किया जाता है जहाँ पे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र हो। ठीक है, हालांकि आवश्यक नहीं है कि इनमें से जो तीन चीजों में से सारे मौजूद हो, सिर्फ वही मेट्रोपोलिस हो। नहीं, मेट्रोपोलिस जो है का आधुनिक अर्थ यह है कि यहाँ पे चाहे राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र पाई जाती हो। तो भारत में सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस, सबसे छोटा मेट्रोपोलिस क्या है? राजकोट। और सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस मुंबई है। सबसे भारत में सबसे छोटा महानगर कौन सा है? राजकोट। और सबसे बड़ा मुंबई। अब देखते हैं कि महानगर की धारणा है, अब उन्होंने बता दिया महानगर क्या होता है, लेकिन उनका वर्गीकरण कैसे किया है? तो वर्गीकरण देखते हैं, भारतीय जनगणना ने इन महानगरों को चार श्रेणियों में बांटा है। एक लाख से दो लाख से, देखिए दो लाख में एक कम है, ठीक है, तो एक लाख से 1,99,999 की जितनी भी जनसंख्या है, और दो लाख से 5 लाख तक, फिर 5 लाख से 10 लाख तक, फिर 10 लाख से और या उससे अधिक। हर संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो उन्होंने कैसे कैसे बांटा है? इन चार श्रेणियों में बांटा, पहले एक से दो, फिर दो से चार, फिर 5 से 10 और फिर 10 से उससे ज्यादा। ठीक है, अब इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दो कार्यक्रम है, JNURM, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगर
नगरीय नवीकरण मिशन चलाया है और मेगा सिटी कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंतर्गत मेगा सिटी आती है, मतलब महानगर आते हैं। तो भारत में कितने महानगर हैं? 6। भारत में 6 मेगा सिटी है। तो उन्होंने वर्गीकरण कैसे किया, हमने ये देख लिया कि 1 लाख से 2 लाख, 2 से 4 लाख, 5 से 10 लाख और 10 लाख से उससे अधिक। ठीक है, तो भारत में कितनी मेगा सिटी है? 6, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगलोर और हैदराबाद। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि नगरीय संरचना के अध्ययन के उपागम क्या है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी के साथ देख लेते हैं। तो इसमें बताया है कि नगरीय प्रगटना के लिए 2-3 प्रमुख उपागम है। अब इन्होंने अर्बन स्ट्रक्चर के लिए 2-3 प्रमुख उपागम दिए। पहला है ट्रेड कॉम्प्लेक्स उपागम और दूसरा उपागम है आदर्श प्रकार का, जिसमें आते हैं पोलर और नॉन पोलर। तो अब कितने आ गए इसमें? 2 के अंदर भी दूसरे के 2 हैं। ठीक है, तो पहले है ट्रेड कॉम्प्लेक्स उपागम, पहला हो गया। दूसरा है आदर्श प्रकार, ठीक है, जिसमें 2 और आगे पोलर और नॉन पोलर। तो नगरीय प्रगटना के विश्लेषण के लिए प्रमुख उपागम निम्न प्रकार है। पहला हमने देखा ट्रेड कॉम्प्लेक्स उपागम है। इस उपागम में व्यवसाय में, आकार में, घनत्व में, सजातीयता में, पर्यावरण इत्यादि भिन्नताओं को विश्लेषण के लिए अनुभवजन्य विशेषताओं, सामान्यताओं, मात्रात्मक लक्षणों को लिया जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ट्रेड कॉम्प्लेक्स उपागम है, इस उपागम में व्यवसाय को लिया जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा था, आकार, घनत्व, जो भी चीजें हमने पीछे देखी थी, और पर्यावरण के आधार पर सब में भिन्नताओं में बांट दिया जाता है, उसको उसमें लिया जाता है कॉम्प्लेक्स उपागम में, मात्रात्मक लक्षणों को लिया जाता है। अब जब आदर्श प्रकार आता है, तो आदर्श प्रकार उपागम में 2 होते हैं, एक तो पोलर और एक नॉन पोलर। ये हैं, अब हम देख लेते हैं कि आदर्श प्रकार होता क्या है। हमने आदर्श प्रकार को 2 में तो बांट दिया, लेकिन आदर्श प्रकार है क्या? तो आदर्श प्रकार वेबर की के मेथोडोलॉजिकल निबंध में एक प्रमुख शब्दावली है, जिसका प्रयोग उन्होंने ऐतिहासिक संस्थिति अथवा विशिष्ट ऐतिहासिक समस्याओं को समझने की युक्ति के रूप में किया। तो आदर्श प्रकार जो है एक निबंध जो उन्होंने लिखा था, मैक्स वेबर ने, उनकी एक शब्दावली है, मतलब एक शब्द है जिसका प्रयोग उन्होंने इतिहास की चीजों को और ऐतिहासिक समस्याओं को समझने की युक्ति के रूप में किया है। ठीक है, कि ऐतिहासिक समस्याओं को समझने की युक्ति के रूप में उन्होंने आदर्श प्रकार नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 थे नॉन पोलर। आदर्श प्रकार की अवधारणा समुदायों पर लागू होती है, जिस तरह की यह अन्य सामाजिक प्रगटना के धन पर लागू है। यह एक संकल्पनात्मक युक्ति, एक निमृत प्रस्तावना है, जो विशुद्ध अथवा आदर्श प्रकार की काल्पनिक विशेषताओं को अभिहित करता है। आदर्श प्रकार विश्लेषण की तकनीक तुलनात्मक पद्धति का रूप है, यह देखने के लिए कि वास्तविक अनुभवजन्य उदाहरणों की तुलना आदर्श प्रकार से की जाती है। इस प्रकार के उपागम को नॉन पोलर आदर्श प्रकार उपागम के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहेगी, तो आदर्श प्रकार की उदाहरणा, हमने देखा कि उन्होंने एक शब्दावली यूज की थी जो कि इतिहास की समस्याओं को समझने के लिए की थी उन्होंने। तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो समुदायों पर लागू होती है, आदर्श प्रकार की अवधारणा समुदायों पर लागू होती है, और वो सामाजिक प्रगटना के अध्ययन पर लागू होती है। किसमें? सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक संकल्पनात्मक युक्ति है, जो विशुद्ध अर्थात आदर्श प्रकार की काल्पनिक विशेषताओं को अभिहित करता है। तो उसमें ये आपको समझना है कि जो है ये तुलनात्मक पद्धति का रूप है, तुलना की जाती है इसमें ऐतिहासिक समस्या को समझने के लिए आदर्श प्रकार का वर्ड का यूज किया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, समुदाय पर लागू होती है, उसमें तुलना की जाती है, तुलनात्मक पद्धति का एक रूप है, यह देखने के लिए कि वास्तविक अनुभवजन्य उदाहरणों की तुलना आदर्श प्रकार से की जाती है। तो हमने देखा है कि तुलना इसमें आदर्श प्रकार से की जाती है, और इस प्रकार के उपागम को नॉन पोलर अर्थात प्रकार उपागम के नाम से, आदर्श प्रकार उपागम के नाम से जाना जाता है। नॉन पोलर में क्या किया जाता है, समुदायों पर लागू होती है बेसिकली, और तुलनात्मक पद्धति होती है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है। पोलर या ग्रामीण नगरीय स्थातत्व के उपागम, पोलर में क्या है, इसे पोलर आदर्श प्रकार के विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है, जो अनुभवजन्य विषयों की तुलना 2 तर्कसंग छोरों के साथ करता है। तो इनका कहना है कि 2 छोर है, एक रस्सी के 2 छोर है, छोर के हिसाब से ये इसकी तुलना करते हैं कि एक इधर है और एक इधर है। तो ग्रामीण और नगरी समुदाय को बिल्कुल अलग अलग खंडों में नहीं रखा जा सकता, ये दोनों एक ही चीज के छोर है, ग्रामीण और नगरीय एक ही चीज के छोर है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इन दोनों के बीच आपस में संबंध है। एक समुदाय जैसे जैसे ग्रामीण जीवन से नगरीय जीवन की ओर अग्रसर होता है, निम्नलिखित में भी परिवर्तन आता है। अब जैसे यहाँ से जैसे ये मैंने पेन रखा है, ठीक है, ये 2 छोर है, एक इधर एक इधर, एक ग्रामीण है एक नगरीय है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक ही रस्सी के 2 छोर है।
लेकिन जब ग्रामीण से लोग किसी भी कारणवश मजदूरी के लिए पैसे के लिए पढ़ाई के लिए लोग जाते हैं जब ग्रामीण से नगरीय में, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जब ग्रामीण से नगरीय जीवन की ओर अग्रसर होते हैं तो उसमें भी परिवर्तन आते हैं। तो पहला है सांस्कृतिक घनिष्ठता और संगठन से भी संगठन की ओर। तो जब वो सांस्कृतिक घनिष्ठता आती है, संस्कृति का भी पता लगता है, और दूसरा अपने संगठन से हटकर वो दूसरे संगठन की तरफ जाते हैं। दूसरा सामूहिक या सामुदायिक अभिमुखीकरण या व्यक्तिक अभिमुखीकरण की ओर। तो मतलब अपना संगठन छोड़ के किसी और सामुदायिक अभिमुखीकरण की तरफ जाते हैं, या व्यक्ति कभी अभिमुखी सामुदायिक अभिमुखीकरण होता है कि ना समुदाय की तरफ, और व्यक्ति का मतलब अपना पर्सनल, कि वो अपनी पर्सनल भी, कि आजकल इतने समुदाय नहीं पाए जाते नगरों में, तो आप लोग जो होते हैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम पर्सनली ग्रो करें। ठीक है, रेडफील्ड एक आदर्श प्रकार ग्रामीण समाज की इस तरह परिभाषा करते हैं कि वह नगरीय समाज के विपरीत ध्रुव पर है। तो अभी तक हमने मैक्स वेबर का देखा कि उन्होंने आदर्श प्रकार को कैसे बांटा, इसी प्रकार हमने नगरीय परिघटना के दो तीन प्रमुख उपागम देखे। ठीक है, अब रेडफील्ड क्या कहते हैं आदर्श प्रकार को, आइडियल टाइप को, कि ग्रामीण समाज की इस तरह की परिभाषा करते हैं कि वे नगरीय समाज की विपरीत ध्रुव पर है। उनका कहना है कि ऐसे ही जैसे पंथा कि जो ग्रामीण है वो नगरीय के बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर है। तो है आदर्श प्रकार एक विचार पद्धति है, इसका सृजन इसलिए किया गया कि इसके माध्यम से हम वास्तविकता को समझने की आशा कर सकते हैं। तो आदर्श प्रकार एक विचार की पद्धति है, ये एक विचार पद्धति है जिसके अनुसार हमने देखा कि आदर्श नॉन पोलर में आदर्श प्रकार को तुलनात्मक पद्धति के रूप में देखा जाता है, समुदाय पर लागू होती है, लेकिन जब पोलर में इसमें ये बताते हैं कि यहाँ पर दो तर्कसंग छोरों पर होती है, कि ये भी यहाँ पे क्या है तुलना करते हैं, यहाँ पे तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, ग्रामीण और नगर। और सो आपको नगरीय संरचना के दिन के पावन क्लियर हो रहे होंगे। रेडफील्ड ने क्या कहा है कि आदर्श प्रकार जो है विचार की पद्धति है, विचार करने की पद्धति है कि कैसे उसको नगरों को, नगरीय परिघटना को बांटा गया है। ठीक है, अब ग्रामीण समाज की विशेषताएं देख लेते हैं। ग्रामीण समाज की निम्न विशेषताएं हैं गांव के समाज की, ये समाज लघु होते हैं, पृथक होते हैं, निरक्षर और सजातीय होते हैं। एक ही जाति पाई जाती है, बड़े होते हैं, इनको अलग करना कठिन है, और निरक्षर होते हैं, वहाँ के परिवार के लोग कम होते हैं। ग्रामीण समाज में समूह एकता की भावना बलवती होती है, समूह एकता बहुत होती है। जीवन यापन की शैली को स्थिर अनुरूप प्रणाली, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, परंपरागत कर दिया जाता है। तो जो जीवन यापन की शैली होती है उसको अनुरूप प्रणाली के अनुसार, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, उसमें परंपरागत किया जाता है, कि मतलब एक जो होती है पीढ़ी संस्कृति दूसरी पीढ़ी को सिखाती है, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को सिखाती है, तो आगे आगे परंपरागत बढ़ती जाती है। इसमें व्यवहार परंपरागत होता है, नैसर्गिक होता है, व्यक्तिगत होता है। व्यवहार करना, किसी से कैसे बात करना है, बड़ों से ठीक से बात करना है, ये सब परंपरागत होता है। प्रयोग का कोई विधान या प्रकृति और बौद्धिक उद्देश्यों के लिए अनुचित नहीं है। यहाँ पे प्रयोग का कोई भी विधान नहीं है कि एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते। पारिवारिक समूह कार्य की इकाई है, तो यहाँ पे पारिवारिक समूह जो है वो ही कार्य की इकाई है, उनके लिए ही अपने परिवार में रहना, अपने परिवार के लिए काम करना ही वो कार्य की इकाई है। पंथ निवेश पर पवित्र अभिभावी होता है, पंथ निरपेक्ष पर क्या कहते हैं, पवित्र चीजें जो है उसको ज्यादा भार डालती है। पंथ निरपेक्ष की भी वीडियो हमने देखी थी, मैंने वीडियो बनाई हुई, देख लेना अगर आप किसी को देखनी हो, धर्म से रिलेटेड सारी वीडियोस बन गई है, दो तीन रह गई हैं, वो भी डालती जाऊंगी, साथ साथ प्लेलिस्ट बना दी उसकी मैंने, धर्म के समाजशास्त्र की, तो देखना ना भूले उसे भी। तो पंथ निरपेक्ष हमने उसमें देखा था कि ऐसा पंथ निरपेक्ष मतलब होता है जहाँ पे हर धर्म को माना जाता है, ठीक है, सारे धर्म बराबर होते हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं, पंथ निरपेक्ष पर धर्म पर लेकिन पवित्रता ज्यादा भारी होती है। अर्थव्यवस्था बाजार की अपेक्षा एक परिस्थिति है, अर्थव्यवस्था और बाजार जो होते हैं वहां पे कम होते हैं। रेडफील्ड का सरोकार मुख्यतः सातत्य के ग्रामीण ध्रुव से है। रेडफील्ड जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, उसको सिर्फ ग्रामीण ध्रुव से ही जानते हैं, ठीक है, उन्होंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रामीण ध्रुव को दी है। नगरीय समाज को रेडफील्ड क्या कहते हैं, आधुनिक नगरीकृत समाज कहते हैं। नगरीय समाज को आधुनिक रेडफील्ड जो है ग्रामीण को कहते हैं, जो इनका सरोकार इस पे ग्रामीण ध्रुव पे है, लेकिन उन्होंने नगरीय समाज को क्या कहा है, आधुनिक नगरीकृत समाज कहा है। रेडफील्ड ने शिकागो विश्वविद्यालय में अपने पाठ्यक्रम द वॉक सोसाइटी के लिए एक रेखाकृति भी तैयार की। उन्होंने इस रेखाचित्र को जनजातीय नगरीय सातत्य के कहा है, इन्होंने रेखा चित्र में अनुवांशिक संबंधों के रूप में दर्शाया गया है। तो रेडफील्ड ने शिकागो विश्वविद्यालय में अपना पाठ्यक्रम बनाया था, उसमें उन्होंने द फोक सोसाइटी के लिए एक
फॉग सोसाइटी, पूरी सोसाइटी दिखाने के लिए उन्होंने एक रेखाकृति मतलब एक चित्र बनाया था, ठीक है, और उन्होंने इस चित्र को जनजातीय नगरीय सप्तके कहा था। तो उन्होंने द फॉग सोसाइटी, जैसे ये मैंने लिखा द फॉग सोसाइटी, उस पर उन्होंने एक चित्र बनाया, ठीक है, उस चित्र को उन्होंने नाम दे दिया जनजातीय, सॉरी क्लियर नहीं हो रहा, नगरीय सात्यक, ठीक है, ये नाम दिया। उसमें उन्होंने अनुवांशिक संबंधों को बताया। अनुवांशिक संबंध कैसे होते, जैसे पहले दादा हमारे, ठीक है, फिर ये हमारे दादा के दो बेटे पापा और चाचा हो गए, फिर पापा हम तीन भाई, ठीक है, ये हमारे चाचा उनके तीन बेटे। तो ये क्या है, अनुवांशिक संबंध है, अपने अनुवांशिक संबंधों को उन्होंने अपनी जो फोक सोसाइटी नाम दिया उसको द फोक सोसाइटी रेखाकृति मतलब चित्र को दर्शाया है, तैयार किया, और उन्होंने इसे रेखाचित्र को हिंदी में क्या कहा है, जनजातीय नगरीय सातत्यक है, कैसे जनजाति जो है नगर में आपस में जुड़ती है, अनुवांशिक संबंधों के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांत और प्रमुख परिप्रेक्ष्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अर्बन सोशियोलॉजी की हम पूरी बुक इसमें कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।